तो गाइस टाइम हो रहा है शाम के दोपहर के 3 बजे और अभी जो वाटरफॉल से नहा धो के आके रूम में दोबारा तैयार हो गए। अब मैं जा रहा हूँ मिनी थाईलैंड की ओर। ये मेरा पीछे कॉटेज है जहाँ आज रात का स्टे है, ठीक है। ट्री हाउस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे, पूरी लोकेशन आपको दिखाता हूँ। रूम का अंदर का व्यू तो आपको दिखाई दिया था, अभी देखते हैं मिनी थाईलैंड। यहाँ से पैदल जाने की सोच रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे ये GB वाटरफॉल था वहाँ से मिनी थाईलैंड तक अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहले ट्राई करते हैं अगर पैदल जा पाएंगे, रास्ते में कोई गाड़ी वगैरह मिल गया तो वो भी कर लेंगे, अगर नहीं मिला तो पैदल ही जाने वाले हैं। देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है, सारा रास्ता रोड की लोकेशन और सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली अब निकल रहा हूँ मिनी थाईलैंड के लिए, ऐसा कुछ रास्ता आपको दिखाता हूँ। तो आपको अपने जो गूगल मैप्स है उसके ऊपर मिनी थाईलैंड लगा लेना है और चलते जाना है मेन बाज़ार में आ जाना है आपको। तो मेन जो सड़क है जो जलोरी पास की तरफ जाती है उस सड़क के ऊपर ही है जो मिनी थाईलैंड पड़ता है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1-1.5 किलोमीटर है, तो आप आराम से पैदल चल के भी जा सकते हैं, तो मैं भी पैदल चल के ही जा रहा हूँ। आपको ये बात एक ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने व्हीकल पे यहाँ पे नहीं आए तो यहाँ पे आपको कोई भी लोकल ऑटो वगैरह या कुछ भी नहीं मिलेगा, और टैक्सी भी 1-1.5 किलोमीटर के लिए आप नहीं जाएंगे तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। या तो आप वहाँ पे जलोरी पास वाली बस ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपको मिनी थाईलैंड पे नहीं उतारती। तो अब ये अच्छी खासी हाइक है, रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, यहाँ पे काफ़ी अच्छे दृश्य हमको देखने को मिल रहे थे, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हम थोड़े ड्रेन हो रहे थे। तो आप अपने साथ पानी वगैरह भी ले जाएं और अगर हो सके तो अपने घर से यहाँ पे एक अम्ब्रेला भी कैरी करें, ताकि अगर धूप बारिश स्नो कुछ भी हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलते चलते आप चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे रास्ते पे ही अपने राइट हैंड साइड पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे जो गेस्ट हाउस वगैरह है वो भी सारे दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट है जो वाटरफॉल पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। इस वाटरफॉल का जो असली नाम है वो कुलाई कतांदी, ठीक है, वीरा आल है, ठीक है। मतलब ये मिनी थाईलैंड तो ऐसे ही किसी ने रख दिया, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है जो बोर्ड पे लिखा हुआ था वो है। अब ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो नीचे जाने यहाँ पे आप आए ना तो मैं तो चप्पल में आ गया, लेकिन आपका एक बात का ध्यान रखना कि आप अच्छे खासे जूते पहन के आएँ, क्योंकि जो हाइक है नीचे आपको जाना है 200 से 300 मीटर ही नीचे जाना है, लेकिन आपके पास अच्छे जूते होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चप्पल में आया था इसलिए मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो जाना पड़ रहा है, और अभी 5 से 10 मिनट की हाइक के बाद आप नीचे पहुँच जाएंगे। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पर आप कपड़े अपने जो है ना ठंडी वाली लेके आएँ, ताकि आपको यहाँ पर ठंड वगैरह बिल्कुल ना लगे। और अभी टाइम अप्रॉक्सीमेट 4-4:30 बजे हो रहे हैं, तो जो भी वापस जाते जाते 1-1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं कि कैसा सफ़र है ये पूरा रहने वाला। भाई यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक है जो आपको करके जाना पड़ेगा, 300 से 400 मीटर का जो ट्रैक है। तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे जूते वगैरह पहन के आएँ, मैं चप्पल में आ गया, मुझे लगा पानी वगैरह में जाना है, बट ठीक है चप्पल में भी धीरे धीरे करके कर ही लूँगा ट्रैक, क्योंकि आज ज़्यादा गीला वगैरह नहीं है। सो गाइस इसी प्रकार आप भी यहाँ पे चलते चलते ट्रैक पे अपना व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ 100 मीटर है जो आपको ऐसे पहाड़ी थोड़ा सा मुश्किल उतरना है, उसके बाद सारा रास्ता प्लेन है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थी। पानी की आवाज़ तो इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही थी ना कि इतना मज़ा आ रहा था, मैंने तो पूरा रिकॉर्ड किया, मन ही नहीं कर रहा था कि रिकॉर्डिंग है जो बंद करूँ, तो पूरा आपके लिए मैंने वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड किया, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे, भी आप चाहें तो नहा सकते हैं, तो अपने कपड़े वगैरह अपने साथ ले जाएं, यहाँ भी नहाने के लिए अच्छी खासी लोकेशंस हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप पानी में ना उतरें, क्योंकि पानी का व्यू है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी था। धीरे धीरे आपको ऐसे बस ट्रैक पे चलते जाना है, नेचर की ब्यूटी को आपको एंजॉय करते जाना है। जो ये आपको स्पॉट से पहले छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, तो मतलब जो मेन स्पॉट है मिनी थाईलैंड, उससे पहले काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं छोटे छोटे, जहाँ पे आप रुक के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो, या जहाँ पे आप आराम से बैठ के नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप पहले वाले स्पॉट्स पे बैठे, आराम से नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करें, पानी की आवाज़ को सुने, पानी से खेलें, उसके बाद आप मेन पॉइंट पर जाएँ, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वहाँ पर जाके जो क्राउड है काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो आपको वहाँ पर ना ही बैठने का मौका मिलेगा, ना ही अच्छे से इंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो ये जो छोटे छोटे से जैसे आपको पत्थर दिख रहे हैं, यहीं पर आप बैठ के इंजॉय कीजिए। फोटोज़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर आ रही थी, और पानी तो इतना ज़्यादा क्लियर था कि आपको क्या बताऊँ। आगे जाके तो पानी और भी ज़्यादा क्लियर होते जा रहा है, एकदम ग्रीन होता जा रहा है, जैसे फॉरेन के बीचेस वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल एकदम साफ ग्रीन कलर के, वैसे बीच आपको देखने को मिलने वाले हैं।
और अभी पहुंचने वाला हूँ व्यू पॉइंट पे। व्यू पॉइंट पे पहुंचते ही आपको ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलने वाला है, दो बड़े बड़े पत्थर है, बहुत ही ज़्यादा बड़े पत्थर थे ये, उनके बीच में से एक रास्ता निकल रहा है, ठीक है, जो एक बीच पे जा रहा है, जैसे कि ऐसा लगता है कि एक सीक्रेट बीच है जो बिल्कुल पत्थरों के पीछे से होके निकल रहा है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। पानी इतना ज़्यादा क्लियर था कि आप पानी के ऊपर से ही बिल्कुल एंड तक नीचे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कितने पत्थर हैं या कहाँ पर क्या पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लोकेशन थी, आप भी इंजॉय कीजिए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मिनी थाईलैंड पे, बिल्कुल मेरे पीछे है वो स्पॉट जिसको मिनी थाईलैंड कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर पानी है, ऑसम लोकेशन है, बट बहुत ही ज़्यादा क्राउडी है। अभी अभी बहुत लोग गए हैं, ठीक है, खाली हो चुके हैं। टाइम अप्रॉक्सीमेट शाम के 5:30 हो रहे हैं, सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ अभी ठीक है लास्ट मैं ही बचा हूँ यहाँ पे। तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था अकेले, काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है, बहुत ही अच्छी, काफ़ी ज़्यादा क्लियर पानी है, जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। तो आप भी यहीं पे ऐसे इस प्रकार ब्यूटी का एंजॉय करके, यहाँ पे आपको मैगी कॉफ़ी और जो चाय वगैरह वो भी मिल जाएगी अगर आपको पीने होंगे। एक भैया यहाँ पे कैंपिंग करके बना रहे थे, तो आप इनसे चाय कॉफ़ी पी के वापस अपने होटल वगैरह में चले जाएं। आज के लिए यही दो प्लेसेस है जो हम कवर कर पाए, बाकी सारी प्लेसेस डे 2 पे कवर करें। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप जीबी में और भी जो घूमने की प्लेसेज है वो देखना चाहते हैं। तो कल की वीडियो में मैं आपको जीबी के आसपास जो और टूरिस्ट प्लेसेज है वो भी घुमाने वाला हूँ। उन वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।